हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिनी की जिंदगी। और फ्रेंड्स, आज है मेरे हस्बैंड का बर्थडे, तो हम जा रहे हैं वृंदावन। तो आपको पता है वृंदावन हम लोग बांके बिहारी के दर्शन करने जा रहे हैं। आज बर्थडे वाले दिन है कि भगवान जी का आशीर्वाद मिल जाए, तो मैंने सोचा आपको ये बताती हूँ, आपके साथ भी शेयर करती हूँ, ठीक है ना। और आपको भी दर्शन कराएंगे, जैसे कि मैं जाती हूँ आपको दर्शन कराती हूँ साथ में। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा मेरे साथ आगे जुड़ने के लिए। और फ्रेंड्स, आगे बांके बिहारी के दर्शन करेंगे, फिर जो जो मैं आपको पूरा इसका व्लॉग बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अभी रुककर मैं सबसे पहले यही कहती हूँ कि अगर आपको अच्छा लगे मेरा चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ओके फ्रेंड्स, सी यू। और फ्रेंड्स, अब आ चुके हैं हम लोग वृंदावन, ये देखिए। और फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं वृंदावन, ये देखिए राधा रानी के की जन्मभूमि पर। ये देखिए कितनी फ्रेश फ्रेश वेजिटेबल्स लगी हैं यहाँ पर साइड में। हम लोग आ गए हैं वृंदावन सिटी में। और फ्रेंड्स, क्योंकि वृंदावन सिटी बहुत ब्यूटीफुल सा, बहुत क्या कह लीजिए, बहुत पीसफुल सिटी है और बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं यहाँ पर, बिकॉज़ ज़्यादातर लोग यहाँ पर कृष्ण और राधा भक्ति में ही हैं, और मतलब एक चारों तरफ उसी से रिलेटेड लोग हैं, मंदिर हैं, तो एक पॉजिटिव फीलिंग आती है, बहुत अच्छा है, क्योंकि पायस सिटी है ये, है ना। तो बहुत ही अच्छा फील होता है यहाँ की। तो फिर हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं सिटी के अंदर, तो हम लोग यहाँ से प्रेम मंदिर जाएंगे। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले प्रेम मंदिर घूम लेंगे, और उसके बाद, क्योंकि लास्ट ईयर भी जब हम वृंदावन आए थे तो हम प्रेम मंदिर नहीं जा पाए थे। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ से पहुँच गए। और जब भी आप ऐसी जगह जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो एक बहुत अच्छी फीलिंग, बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है, जो भी नेगेटिविटी होती है वो हमारे दिल से वो सब दूर होती है। वो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं प्रेम मंदिर, और ये बंद है देखिए, क्योंकि ये बंद हो गया है, मुझे पता नहीं था इसके द्वार जो हैं वो 4 बजे खुलेंगे। अब हमें पता होता तो हम थोड़ा पहले आ जाते, बट यहाँ पे जितने भी मंदिर हैं हमने पता किया वो ज़्यादातर 2 से 3 बजे से बंद हो जाते हैं, उनके जो द्वार हैं वो 4 बजे ही खुलते हैं, क्योंकि वो भगवान जी के आराम का टाइम होता है। अरे अब तो हम लोग इसलिए थोड़ा घूम रहे हैं। फ्रेंड्स, ये हम लोग आ गए हैं बांके बिहारी की बिल्कुल वैसी गलियों में, और ये हम जा रहे हैं पार्किंग में। ओह माय गॉड, कैसी हाँ है, ये पार्किंग में आ गए फ्रेंड्स हम लोग, यहाँ पास में ही पार्किंग है, देखिए। ओ माती चौक के थी यार, आराम से
हम लोग कहाँ पर हैं? बाकी बिहारी भी देखे उसे ना, अब यहाँ से दिखाते हैं छोटे छोटे से गली में हम लोग कैसे जा रहे हैं। बेबी को तुम ही ले रहे हो भाई, हमेश को पकड़े अपने साथ, अच्छे से पकड़ो ना, पूरा हाथ पकड़ो। हो गया देखो देखो आगे देखते चलो। हाँ फ्रेंड क्या कैमरा बंद कर लो इसका। ओके और फ्रेंड्स वृंदावन से आने के बाद फिर हम लोगों ने यहाँ नोएडा में डिनर किया। डिनर तो अब रात में करना ही था इनके ओकेजन बर्थडे पे जो है, फिर हम लोगों ने अपना डिनर ऑर्डर किया, देन हम लोगों ने डिनर किया। देखिए इट्स यम डिनर। उसके बाद डिनर करने के बाद अब फ्रेंड्स बारी आती है फ़ोटो क्लिक करने की। तो ये देखिए ये हो रहा है हमारा फ़ोटो सेशन। ओके फ्रेंड्स बाय बाय, सी यू लेटर।